इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने विवादास्पद बयान दिया है। तौकीर रजा ने अग्निपथ के खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे सड़कों पर न उतरे होते, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। अगर वो ट्रेनें नहीं जलाते तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तौकीर रजा ने इस पूरे बवाल को सही ठहराया। अगर ये बच्चे सड़कों पर ना निकले होते, अगर ये भी इसी तरह एहतजाज करते जिस तरह हमने किया है, तो क्या इनकी मांगों पर गौर किया जाता? किसी गृह मंत्रालय में, किसी रक्षा मंत्रालय में कहीं कोई मीटिंग ना हुई होती, ना जो एज का जो बार बार नए नए ऐलान आ रहे हैं कि ये रियायत दी जाएगी, ये रियायत दी जाएगी, 10 साल का ये दे दिया जाएगा, 2 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अगर उन्होंने ट्रेन न जलाई होती तो ये सब उन्हें मिलता? वहीं इस बयान के बाद तौकीर रजा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो उन छात्रों से अपील करते हैं कि वो देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। हम भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो हिंसा हुई है मैं उसका विरोध करता हूं। हिंसा की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। मैं अपने उन छात्रों से भी, उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे देश की संपत्ति हमारे देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।